एक प्यासा कौवा। एक समय की बात है, एक गांव में एक बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, जिसके कारण गांव में पानी की कमी हो गई। नदियाँ और तालाब सूख गए, सभी पानी के लिए तरस रहे थे। एक कौवे को काफ़ी प्यास लगी थी। वह पानी की तलाश में जगह जगह भटक रहा था, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। कौवा बहुत ही निराश हो गया, पर उसने हार नहीं मानी और वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। तभी उसे एक जंगल में एक पानी का घड़ा दिखाई दिया। कौवा बहुत खुश हुआ। वह उसके पास गया और जैसे ही घड़े से पानी पीने लगा तो उसने देखा कि घड़े में पानी बहुत ही कम है और उस पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंच रही थी। कौवा बहुत ही परेशान हुआ और सोचने लगा कि अगर मैंने कोई उपाय नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। आखिरकार बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में एक तरकीब आई। कौवे ने घड़े के पास पड़े छोटे छोटे कंकड़ को उठाना और उसे पानी में डालना शुरू कर दिया, जिससे धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया। कौवे ने वह पानी पिया और वह उड़ गया। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जहाँ चाह वहाँ रहा, यानी अगर आप किसी चीज़ की दिल से चाह करते हैं और उसे पाने के लिए मेहनत करते हैं तो आपको राह यानी सफल होने का रास्ता खुद ब खुद मिल जाता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।